गुड मॉर्निंग क्लास एर्थ एंड वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर टू फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो ट्रेड राइवलरी मीन्स ट्रेड राइवलरी का मतलब कि जो बहुत सारी जो विदेशी कंपनियाँ जो थी जैसे कि पोर्टुगीज डच फ्रांस ब्रिटिश ये सारी जो बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में आईं और उन लोगों ने इंडिया में व्यापार करने के बारे में सोचा तो देखिए कि बहुत सारी कंपनियां जो थी उनमें ये होड़ मची हुई थी कि किस तरीके से जो है हम इंडिया में हमारी कंपनी रह जाए और हम ही सिर्फ व्यापार करें जिनमें कि देखिए जो पुर्तगाली जो थे जो कि सबसे पहले आए थे और डच वगैरह इन लोग ये लोग जो है कि हालाँकि इसमें असफल रहे और सिर्फ दो ही कंपनियाँ बच गई थी अब इंडिया में फ्रांस और ब्रिटिश की कंपनी जो कि इंडिया के साथ व्यापार कर रही थी जिसमें कि देखिए अब आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी यानी कि ब्रिटिश और जो फ्रांस की जो कंपनियां थी उनके बीच में अब ये होड़ थी कि हम जो है हमारा सिर्फ व्यापार रहे। तो देखिए 1600 में आपको ये पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी यहाँ पर स्थापित कर ली थी और यहाँ पर वो इंडिया के साथ पूरे व्यापार कर रहे थे। अब देखिए इन 1664 द फ्रेंच सेटअप देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। अब 1664 ईस्वी में जो फ्रांस था फ्रेंच कंपनी ने भी अपनी एक ट्रेडिंग सेंटर कंपनी ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर स्थापित कर ली। द फ्रेंच हैड इट्स हेडक्वार्टर एट पांडुचेरी नाउ पुडुचेरी। मतलब जो फ्रेंच थे उन लोगों ने अपना जो हेडक्वार्टर बनाया उसको उन लोगों ने पांडुचेरी को अपना हेडक्वार्टर बनाया था वहीं से वो लोग व्यापार किया करते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच बीइंग प्रेजेंट इन इंडिया विद अ कॉमन कॉज देयर वाज अ क्लैश बिटवीन द टू बिग नेशंस विच रिजल्टेड इन द कार्नेटिक वॉर्स। अब देखिए क्या हुआ रिजल्ट इसका ये हुआ कि जब ब्रिटिश पहले से ही इंडिया में अपनी कंपनी बसा रखे थे और 1664 ईस्वी में फ्रांस ने भी अपनी कंपनी यहाँ पर बसा ली तो अब दोनों जो कंपनियाँ थीं इतने बड़े जो नेशंस थे दोनों उनके बीच में मतलब अब ये होड़ लग गई कि नहीं अब हमारी ही हमारा जो है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर हमारा प्रभुत्व है और हम ही सिर्फ यहाँ से व्यापार करें। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों कंपनियों के बीच में एक युद्ध की स्थिति आ गई थी और उस युद्ध को हम कार्नेटिक वार्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये युद्ध जो है वो चार बार जो है कि एक कर्नाटक जगह पर ही इस युद्ध को लड़ाया गया था इसी के हम इसको हम कार्नेटिक वार्स के नाम से जानते हैं। देखिए फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि इसमें ब्रिटिश जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो सफल रही फ्रांस को हराने में और जो है ब्रिटिश ने रूल किया ब्रिटिश ने यहाँ पर यहाँ से व्यापार किया और व्यापार के साथ साथ उसने भारत पर रूल भी किया था। अच्छा आगे देखिए मोस्ट बैटल्स पर फॉट इन द रीज़न विद इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मोस्टली जितने भी ये युद्ध लड़े गए थे वो आज के समय में जो तमिलनाडु है उसी में ये सारे युद्ध जो हैं वो हुए थे। चार युद्ध टोटल हुए थे जिसको हम कार्नेटिक वार्स के नाम से जानते हैं यानी कि भारत में अपना प्रभुत्व अपनी कंपनी का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कार्नेटिक वार जो है वो लड़े गए थे। तो देखिए दीज वार्स वर फॉट टू कंट्रोल ओवर द कोस्टल ट्रिप। दीज वार्स वर फॉट बिटवीन 1744 एंड 1763। अब देखिए ये जो वार हुए थे वो कोस्टल एरियाज थे यानी कि जो समुद्र तटीय जो किनारे थे जहाँ से कि व्यापार बहुत आसानी से किया जा सकता था समुद्री व्यापार तो इसीलिए जो कि उन समुद्री किनारों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए ये युद्ध लड़े गए थे जो कि 1744 से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच में युद्ध हुए थे। द फ्रेंच वर लीड बाई डुप्लिक्स हु रिटेल्ड बाई ऑक्यूपाइंग मद्रास इन 1746। देखिए क्या था कि एक वहाँ पे डुप्लिक्स जो थे वो ये चाहते थे फ्रांस के उन लोगों उनने एक नीति अपनाई थी ताकि वो मद्रास को जो कि आज के समय जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं उसको उन्होंने पूरी तरीके से अपने अधिकार में करने के बारे में सोचा था मद्रास को। ठीक है तो मद्रास में देखिए उस समय में मद्रास जो है वहाँ पर नवाबों का शासन था तो मद्रास वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनवर उद्दीन द नवाब ऑफ कार्नेटिक। अब देखिए नवाब ऑफ कार्नेटिक यानी कि कार्नेटिक के नवाब थे उस समय में अनवर उद्दीन वहाँ पर उनका शासन था। ठीक है तो ब्रिटिश अपील टू अनवर उद्दीन एंड ही सेंट एन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच। मतलब क्या था कि जब ब्रिटिश को ये पता चला कि जो कि फ्रेंच जो है मद्रास पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते तो उन लोगों ने वहाँ के जो नवाब अनवर उद्दीन थे उनसे अपील की कि आप एक अपनी सेना जो है भेजिए फ्रेंच के अगेंस्ट जिसमें कि मतलब ताकि जो कि फ्रेंच को हराया जा सके। ठीक है इन इंडिया
इन इंडियन आर्मी वॉज डिफीटेड बाय द वेल ट्रेंड फ्रेंच आर्मी। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब इंडियन आर्मी उनसे युद्ध करने के लिए गई तो इतनी ट्रेंड फ्रेंच आर्मी थी कि उनकी आर्मी से इंडियन आर्मी हार गई और जो है कि अब मद्रास जो है एक तरीके से अब उन फ्रांस जो थे उनका कंपनी जो है उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इन 1748 द वॉर केम टू एन एंड एंड मद्रास वॉज डी रिस्टोर्ड बैक टू ब्रिटिश। अब देखिए कि 1748 ईस्वी में ये जो युद्ध था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद जो है युद्ध तो ख़त्म हो गया लेकिन फिर से ये युद्ध जो कि दोबारा लड़ा गया। द वॉर वॉज साइन अगेन फॉट अगेन बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रांस ओवर सक्सेशन ऑफ द थ्रोन इन हैदराबाद एंड कर्नाटक। अब फिर से एक बार युद्ध हुआ और इस युद्ध में अब टोटल अब जो है इंडियन आर्मी की जगह ब्रिटिश खुद जो किसी युद्ध में फ्रेंच के अगेंस्ट लड़े सक्सेशन ऑफ द थ्रोन इन हैदराबाद एंड कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक और हैदराबाद पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए जो कि इन दोनों नेशंस ने युद्ध किया था। द फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग एंड ब्रिटिश गेव सपोर्ट टू नासिर जंग एट हैदराबाद। अब देखिए ये जो ब्रिटिश कंपनियाँ थी और जो फ्रेंच कंपनियां थी वो भारत के ही नवाबों में अलग अलग जो कि गुटों में बट गई थी। तो देखिए इसमें ब्रिटिश जो थे वो नासिर जंग जो कि हैदराबाद के नवाब थे उनका सपोर्ट कर रहे थे और फ्रेंच जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच जो है मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कर रहे थे और ब्रिटिश जो सपोर्ट कर रहे थे वो नासिर जंग का, हैदराबाद में ये यहाँ के नवाब थे। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में फ्रेंच सपोर्टेड चांद साहब एंड द ब्रिटिश सपोर्टेड मोहम्मद अली। ठीक है, तो इन दोनों लोगों को अलग अलग दोनों जो कि कंपनियाँ जो हैं वो सपोर्ट कर रही थी और इन दोनों लोगों का एक तरीके से कह सकते हो कि यूज़ कर रही थी, सिर्फ उनको उनका यूज़ कर रही थी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। और हमारे यहाँ के जो नवाब थे वो लोग हम लोग कह सकते हैं कि वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ थे क्योंकि दूसरी विदेशी कंपनियों का हम क्यों अपने ही जो है कि आपस में ही हम लड़ रहे हैं दूसरी कंपनियों के लिए। तो अगर शायद साथ में अगर हम लोग रहते तो मे बी आज भारत की स्थिति वो नहीं होती जो कभी भारत की स्थिति थी ऐसी। तो देखिए हाउ एवर द ब्रिटिश वर डिफीटेड एंड अ ट्रीटी वॉज साइंड अकॉर्डिंग टू विच डुप्लिक्स वॉज कॉल्ड बैक टू फ्रांस। तो देखिए क्या था कि इसमें अब रिजल्ट ये हुआ कि जो फ्रेंच जो थे वो हार गए और उन्होंने एक संधि साइन की डुप्लेसिक्स के का क्या मतलब कहना है कि उन्होंने एक संधि साइन की थी जिसमें डुप्लेसिक्स ने कहा था कि फ्रांस जो है वो वापस चला जाएगा, वो अब इंडिया से व्यापार नहीं करेगा। लेकिन इन 1756 द फ्रेंच फोर्स लेड बाय काउंट डी लेली वर डिफीटेड। अब फिर से जो है कि 1756 ईस्वी में जो फ्रांस जो था वो काउंट डी लेली के नेतृत्व में इंडिया ब्रिटिश के साथ उसने लड़ा, फिर से वो हार गया और अ पीस ट्रीटी वॉज साइंड इन 1763 द फ्रांस फैक्ट्रीज वर रिटर्न टू देम बट अंडर द कंडीशन दैट दे विल नॉट फोर्टिफाई द सेम and all factories were made to serve as trade center only. The French lost its strength which gave the British to take the lead position in the political scene of India. तो मतलब क्या था 1756 ईस्वी में फिर से काउंट डी लेली के नेतृत्व में युद्ध हुआ फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में, वही जो कर्नाटिक वार ये फाइनल वार था, चौथा वार जिसमें कि फ्रांस जो है हार गया और उसने ये पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया कि अब जो है वो वापस चले जाएंगे। उस फिर से एक ट्रीटी साइन की गई यानी संधि साइन समझौता हुआ। अब फ्रांस की कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और जो है कि और इस युद्ध के बाद जो ब्रिटिश था वो पूरी तरीके से वो उसकी पोजीशन उसकी पावर जो है वो बढ़ चुकी थी और वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल जो सीन था इंडिया में उसका वो निश्चित हो चुका था, यानी कि अब वो पूरी तरीके से भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो चुके थे। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी बची थी जो कि भारत के साथ वो युद्ध कर भारत के साथ व्यापार कर रही थी, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए द ब्रिटिश इन बंगाल, अब देखिए जब ये सफल हो गए सारी कंपनियों को हराने में तो बंगाल में इनकी स्थिति क्या थी।
In the early 17th century, the British East India Company was merely a trading body. अब देखिए early 17th century की बात हो रही है, तो उस समय में जो British East India Company थी वो पूरी तरीके से भारत में सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार के रूप में कार्य कर रही थी. यानी कि ऐसा नहीं था कि वो जो है भारत में अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया था, नहीं, उस समय तक सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश जो है वो यहाँ पर आते थे. इन इट सेंट रिक्वेस्ट टू द मुगल एम्परर्स फॉर ट्रेड कंसेशन एंड प्रिविलेज आफ्टर द डेट ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिकम वीक. अब देखिए क्या था कि इन लोगों ने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो उस समय में जो मुगल एम्परर थे उनके सामने उन लोगों ने यह रिक्वेस्ट भेजी कि उनको व्यापार करने में और थोड़े से उनको छूट दे दी जाए और उनको जो कि कुछ विशेषाधिकार दे दी जाए जिसके द्वारा वो भारत में आसानी से व्यापार कर सकें. तो देखिए ये चीज़ें हो भी गई थी, लेकिन जब मुगल एम्परर जो था औरंगजेब उसकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद के जो एम्परर थे वो इतने बहुत वीक थे जिसकी वजह से उनका फ़ायदा जो है कि ब्रिटिश ने उठाया और यहाँ पर जो कि अपना धीरे धीरे व्यापार जो है अधिकार जो है बढ़ाते चले गए. ठीक है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगन टू इंटेंसिफाई देयर ऑपरेशंस इन बंगाल द रिचेस्ट ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस. अब देखिए इसका एडवांटेज ये उठाया उन्होंने और धीरे धीरे जो कंपनी थी वो अपने ऑपरेशंस को बंगाल में बढ़ाने लगी. धीरे धीरे तेज़ी से उसने बढ़ाया और जो जितने भी रिचेस्ट प्रोविंसेस थे यानी कि जो प्रांत थे जहाँ पर समृद्ध प्रांत थे उन पर अपना धीरे धीरे अधिकार करना शुरू कर दिया. इन 1717 दे सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग द राइट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम्स ड्यूटी. अब देखिए जब वो लोग व्यापार किया करते थे यहाँ से भारत के साथ तो भारत को उनको कुछ जैसे कि अभी भी होता है हम कोई भी चीज़ अगर हम ले जाते हैं या ले आते हैं तो उसका हमको टैक्स पे करना होता है. ठीक है, तो उसी तरीके से वो मुगल एम्पायर को वो लोग टैक्सेस दिया करते थे. जो वहाँ के नवाब होते थे उस प्रांत के उनको वो कुछ टैक्स दिया करते थे. लेकिन क्या था कि अब धीरे धीरे जो है उन लोगों ने इन टैक्सेस को बिना पे किए वो क्या करते थे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों करते थे क्योंकि उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. ठीक है, तो देखिए ऐसा सिर्फ और सिर्फ जो है विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही कर सकती थी. लेकिन अब क्या हुआ, हाउ एवर सम ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वॉज ऑल्सो एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड. अब देखिए जो कुछ कंपनी थी उन लोगों ने प्राइवेट जो है कि ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और वो भी अब टैक्सेस नहीं देते थे जिसका रिजल्ट यह हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है लॉस होने लगा रिवेन्यू में. बट दिस ऑफिशियल्स ऑल्सो स्टॉप्ड पेइंग ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड रिजल्टिंग इन अ इनॉमरस लॉस ऑफ रिवेन्यू टू बंगाल. अब देखिए जब कोई भी बिना टैक्स के दिए व्यापार करेगा किसी भी प्रकार का जो कि चाहे वो इम्पोर्ट कर रहा हो या एक्सपोर्ट कर रहा हो कोई भी सामान तो उस पर जब वो टैक्सेस नहीं देगा तो पूरी तरीके से जो बंगाल के जो नवाब थे उनको लॉस होने लगा, उनके रिवेन्यू उनका कर जो है धीरे धीरे घटने लगा और उनकी वेल्थ जो है वो कम होने लगी. द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द कंपनी इंटेंसीफाइड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. बंगाल एट दिस टाइम वॉज रूल्ड बाई मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला एंड देन अलीवर्दी खां. अब देखिए कि जो नवाब थे बंगाल के और जो कंपनी इन दोनों के बीच में एक तरीके से कन्फ्लिक्ट हो गया, एक तरीके से युद्ध की स्थिति हो चुकी थी और जो ये लोग जो उस समय में बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां थे, सिराजुद्दौला थे और उनके बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना. दे ट्राइड टू कीप द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इन चेक. अब उन लोगों ने ये ट्राई किया, ये कोशिश किया कि आखिर वो चेक करें कि जो ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं जो कंपनी है आखिर में वो कहाँ से जो है कि इतना ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है. तो अलीवर्दी खान लेड टू कंडीशंस विच द कंपनी हैड टू ओवे और लूज इट्स राइट टू ट्रेड इन बंगाल. दिस कंडीशंस वर एज फॉलोज. तो देखिए अलीवर्दी खान जो कि बंगाल का नवाब बना उसने कुछ कंडीशंस रखी कंपनी के सामने कि वो उन्हीं के आधार पर जो है भारत के साथ व्यापार करेगा. अब ये कंडीशंस क्या थी, तो पहली कंडीशन थी कि द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड शैल पे कस्टम ड्यूटी और द प्रिविलेज of not paying the duty will with withdrawn altogether. तो मतलब क्या था कि उसने ये कहा कि अगर जो कंपनी है अगर वो प्राइवेट ट्रेड कर रही है और अगर वो उसका
कोई किसी प्रकार का वो रिवेन्यू पे नहीं कर रही है, टैक्सेस नहीं ले रही है, तो वो कंपनी जो है यहाँ पर व्यापार करने के लिए उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी कि वो कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर पाएगी अगर उसने रिवेन्यू किसी प्रकार का नहीं दिया है। सेकेंड पॉइंट था द कंपनी शैल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशंस, यानी कि फोर्टिफिकेशंस यानी कि किलेबंदी। तो उसने जो कि ये भी कहा कि अगर कंपनी जो है किसी भी प्रकार की किलेबंदी नहीं कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती है जब तक कि वो टैक्सेस नहीं देगी। द कंपनी हाउ एवर हैड बाई दिस टाइम बिकम वेरी स्ट्रांग। अब देखिए जो कंपनी थी वो अब तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी भारत में। आफ्टर द मिलिट्री सक्सेस अगेंस्ट द फ्रेंच बोथ इन यूरोप एंड इंडिया इट वॉज फीलिंग इवन मोर कॉन्फिडेंट। अब देखिए क्योंकि उसने फ्रेंच को बहुत बुरी तरीके से हराया था युद्ध में, तो इसके बाद जो उसकी मिलिट्री थी वो बहुत ज़्यादा जो कि अपने को कॉन्फिडेंट फील कर रही थी इंडिया में और यूरोप में भी, कि मतलब कि उसकी जो मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो टू एक्सपेंड ट्रेड एंड सिक्योर मार्केट्स इट नाउ डिसाइडेड टू एनेक्स टेरिटरीज इन इंडिया। अब वो जो है अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और अपने मार्केट को इंडिया में सिक्योर करने के लिए अब उसने ये सोचा कि अब जो है हम भारत के जो टेरिटरीज हैं उनको एनेक्स यानी हड़पना, उनको हड़पना उसने धीरे धीरे शुरू कर दिया, यानी छोटे छोटे प्रांतों को, एक एक प्रांतों को। मैटर्स कम टू अ बॉयल इन 1756 व्हेन सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अब देखिए अब ये जब उसने भारत के प्रांतों को धीरे धीरे अधिकार करना उस पर शुरू कर दिया, तो ये जो धीरे धीरे मामला बहुत तेज़ी से तब गर्म हुआ जबकि सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बना बंगाल का, जब वो 1756 ईस्वी में भारत का बंगाल का नवाब बना, तब उसने जो है कुछ ठोस कदम उठाने चाहे। ही आस्क्ड द कंपनी टू रिमूव ऑल इट्स फोर्टिफिकेशन इन कलकत्ता। उसने ये कहा कंपनी से कि वो अब जितने भी किलेबंदी है कलकत्ता में वो सब जो है कि वहाँ से वो हटा ले, वहाँ से रिमूव कर ले। द कंपनी रिफ्यूज टू डू सो, और कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो भारत में व्यापार अपना निश्चित करना चाह रही थी, ना कि हटाने आई थी। सो द नवाब सेंट हिज ट्रूप्स एंड ऑक्यूपाइड द कंपनीज फैक्ट्रीज इन कलकत्ता। इसलिए जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने ट्रूप्स भेजी, अपनी सेना भेजी ताकि जो है वो कलकत्ता में जो फैक्ट्री है उसको वो वहाँ से उस पर अधिकार कर सके। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर अलार्म्ड एट दिस डेवलपमेंट। लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी थी वो अभी तक बहुत ज़्यादा जो कि मतलब मजबूत हो चुकी थी, और उसने भी अपनी सेना को मतलब कि ये कह दिया कि अब जो है मतलब कि एक तरीके से युद्ध की स्थिति पूरी वो बन चुकी थी। दे डिसाइडेड टू डिपोज सिराजुद्दौला एंड इंस्टॉल अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस। दिस लेड टू अ वार। अब देखिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सिराजुद्दौला को नवाब के पोस्ट से हटा दें, ठीक है, यानी कि उनको उस नवाब के पोस्ट से पदच्युत कर दें, उनको हटा दें और उनकी जगह पे एक पपेट नवाब यानी कठपुतली के रूप में नवाब वहाँ पर बिठाएंगे सिराजुद्दौला की जगह पे, जो कि कठपुतली का मतलब है कि जो उनके इशारों पर कार्य करे, जो उनकी सारी बातों को माने और जैसा वो चाहें वैसा ही हो। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच में युद्ध जो है वो शुरू हो गया। तो इस युद्ध को हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं क्योंकि ये युद्ध जो है प्लासी के मैदान में लड़ा गया था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।